नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लुलू। आप देख रहे हैं मेरे टेक्निकल चैनल पांडा ट्रेमिकर। दोस्तों अगर आपको इस तरह से बैंड बनाना है, दोस्तों अगर आप इसी प्रकार से बैंड बनाना चाहते हैं, कुछ देख सकते हैं यहां पर 1000 mm बॉटम टू बॉटम, ठीक है। और ऐसे एक साइड से 300 mm के बाद इसका जो सीट होता है ये है, और इसी प्रकार से डबल बैंड करके 90 और एक डबल बैंड करके 90, इसका हिसाब कुछ इसी प्रकार से है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 300 के लिए मैं यहाँ पर एक 100 mm का ऐसे कॉर्ड बैंड किया है, जो कि 140 mm के बात करेगा तो ये 100 mm कवर करेगा, और ये भी 100 mm। ओके, कुछ मैं देखिए ये 300 है तो हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 50 mm ये होता है रिप का चौड़ा, और ये 100 mm में ये जो कर्व करके बेंड किया क्रॉस करके, इसके लिए 100 mm माइनस करेंगे, 100 mm प्लस 50 mm, तो 150 हो जाता है। 300 से 150 जाएगा तो 150 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, 150 mm से स्टार्ट करने के बाद मैं 50 mm का रिप लिया है, जो कि 41 mm टोटल चाहिए हमको, और इसका एक हिस्सा 20.5 mm, ठीक है। आप चाहे तो इसको थोड़ा कम बेसी कर सकते हैं, आपका ग्राइंडर किस लेवल से चलता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है, वही हिसाब से आपको कीजिए। 50 mm के लिए जो चाहिए बैंड, ये 45 degree बैंड होता है, ये और एक 45 degree। ओके, ये सेंटर का हिस्सा जो है 140 mm देख सकते हैं, ये मैं 100 mm के लिए 140 mm ऐसे क्रॉस करके मेजरमेंट करेगा तो 140 mm मैंने रखा है। और ये जो सेंटर का हिस्सा देखिए, दो बेल्ट के बाद फिर एक सेंटर आता है जो कि ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने नीचे का 50 mm माइनस किया, फिर यहाँ पर 100 mm माइनस किया, और ऊपर में ये जो क्रॉस किया ओनली 100 mm। ओके, ये 100 mm प्लस 100 प्लस 50, टोटल 250 होता है। ये 1000 से हम 250 डायरेक्ट माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद हमको बचता है 750, ठीक है। ये 750 उसी प्रकार से है। बाद में फिर अपोजिट डायरेक्शन में हम बैंड को सेम 41 mm यहाँ पर, 41 mm यहाँ पर, ठीक है, ये दूसरा बैंड हो जाता है। कुछ इसी प्रकार से आप आसान से ये बैंड को पूरा कर सकते हैं।